बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हर घर की ज़रूरत है और डेली बेसिस पे इसको यूज़ किया जाता है खानों में। लहसुन और अदरक का हम आज पेस्ट बनाएंगे और इसको किस तरीके से स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि ये ख़राब भी ना हो और इसको हम आराम से यूज़ करें डेली। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 5 लहसुन की ये गठियाँ ली हैं और 2 मैंने बड़े बड़े पीसेस जिंजर के ले लिए हैं। इन सब के साथ आज हम बनाएंगे इनका पेस्ट, बहुत ही शानदार किस्म का, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे। इसको एक चॉपर के जग में डालना आपने इस तरीके से छीलने के बाद, और जब इसको जग में डाल देंगे तो इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लें, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। इस तरीके से आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है बना के तैयार करनी है। और जब ये लहसुन और अदरक इस तरह चॉप कर लेंगे तो इसको एक बाउल में आप डाल दें। अब इसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, तो इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल आपने इतना डालना है कि ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल। ये डालने के बाद इसको हम लहसुन अदरक में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये बढ़ जाएगी और हम इसको आराम से स्टोर करके रख लेंगे। बस इसमें सिर्फ हमने ऑयल का यूज़ करना है और कोई भी चीज़ नहीं डालनी। फिर आपने इसको किसी एयर टाइट बाउल में या किसी बॉटल में आपने डाल लेना है इस तरीके से। और जब इसे डाल लेंगे तो अगेन इसके ऊपर हम ऑयल फिर इस डाल देंगे इस तरीके से, जो मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। ये ऑयल डाल के इसको कर देंगे कवर और बंद करके आप इसको फ्रिज में रख लें और इसको आराम से यूज़ करें। लॉन्ग टाइम के लिए आपका ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ये बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ईजी रेसिपी है और इसको आप बना के आराम से स्टोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।